लेडीज एंड लेडीज, आज हम करने वाले हैं डब्बा खोलिंग ऑफ आईफोन 12 मिनी। अरे व्यूज के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है यार। खैर, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गैजेट इंडिया में, और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, बड़े लेवल की अनबॉक्सिंग 2.0। और आज की अनबॉक्सिंग में हम करने वाले हैं आईफोन 12 मिनी की अनबॉक्सिंग। ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, इतना ही बजट था हमारी वीडियो का, और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। यस दैट्स इट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अनबॉक्सिंग की बात ही क्या करें, यहाँ पर अनबॉक्सिंग के नाम पर हमें सिर्फ एक फ़ोन, एक वायर और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिल जाती है, और लगभग इसका प्राइसिंग है अराउंड 40,000 रुपीज़। खत्म। दोस्तों, इस खूबसूरत फ़ोन की बात ही क्या करें, दिस थिंग टोटली ब्लोज अप, और मेरे हिसाब से काफ़ी खूबसूरत फ़ोन है। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इससे पहले मैं आईफोन 10R यूज़ करता था, तो वो अराउंड 6.1 इंचेस का फ़ोन है, तो डायरेक्टली मैंने इस पर शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर मुझे उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो फेस नहीं किया कि एकदम 6.1 इंचेस से 5.7 इंचेस, बट इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी डांसू है, बिकॉज इट हैज़ अ फुल व्यू ओलेड डिस्प्ले, एंड इसमें पिक्सल डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो दूर से भी आप आराम से पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। तो मेरे को यहाँ पर कोई भी इशू रिलेटेड नहीं दिखा डिस्प्ले साइज़ के रिलेटेड, और यहाँ पर मैंने लाइट कलर यूज़ किया है, वाइट कलर मैंने पर्सनली चूज़ किया है, तो उसकी ऐसे जो बेजल्स भी आते हैं वो भी काफ़ी थिन हो जाते हैं। वैसे ये एक प्रो टिप है, अगर आप एक आईफोन ले रहे हैं तो कभी भी लाइट वाले कलर्स का लेना, लाइक वाइट हो गया, ग्रीनिश हो गया, वो कलर्स में आपको बेजल्स काफ़ी थिन देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सब्सक्राइब गैजेट इंडिया। थैंक यू सर। दोस्तों, हमेशा से एप्पल के कैमरास, आईफोन के कैमरास के ऊपर काफ़ी सारी बातें सुनी हैं हमने, और हर साल एप्पल क्लेम करता है दिस इज़ द बेस्ट कैमरा एवर ऑन आईफोन, तो आज देख लेते हैं कितना सच है ये, और चलिए चेक करते हैं इसकी कुछ इंडोर एंड आउटडोर वीडियो एंड फोटो सैम्पल्स। ये है इसका माइक्रोफोन प्लस फोकस टेस्ट, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी फोकस कर रहा, कितनी जल्दी नहीं कर रहा। ये है आउट ऑफ फोकस, ये है इन फोकस, और मेरे हाथ का कलर दिख जा रहा, यानी मैं काला हूँ। सो दिस इज़ व्लॉग टेस्ट नंबर 1, और ये जो आवाज़ आ रही है खुद इसके जो माइक्रोफोन है उससे कैप्चर हो रही, और ये है हमारा सैम्पल। अभी डायरेक्टली मेरे फेस के ऊपर सनलाइट आ रही, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा आउटपुट जब आप आउटडोर कंडीशन में शूट करेंगे इसके साथ। एंड मेरे हिसाब से व्लॉगिंग के लिए अच्छा है, जो ब्राइटनेस वगैरह है वो भी अच्छे से मेंटेन कर रहा है, बट पीछे से जब लाइट आती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, और थोड़ा गोल्डनिश हो जा रहा है टोन, आप देख सकते हैं जैसे हमेशा से आईफोन में होता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अ गुड प्रोडक्ट फॉर व्लॉगिंग एंड अदर स्टफ। दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है कि इसके कैमरास लिटरली धांसू है, मेरे हिसाब से अब तक का बेस्ट कैमरा आई हैव एवर यूज ऑन एन आईफोन, और लिटरली काफ़ी अच्छे हैं। आपने खुद देखे हैं इंडोर एंड आउटडोर सैम्पल्स अबाउट अल्ट्रा वाइड वीडियोग्राफी एंड ऑल स्टफ। अभी हम इसके ऊपर एक फ्यूचर में डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कैमरा रिव्यू और कैमरा कंपैरिजन XR11 के साथ कोशिश करेंगे लाने की, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखना होगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, गेमिंग हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस फ्री होने के लिए लोग काफ़ी सारी गेमिंग करते हैं, और हर कोई एक गेमर है, कोई रेगुलर गेमर है और कोई कभी कभी ही खेलता है मेरी तरह। तो मेरे हिसाब से गेमिंग के मामले में इसका जो मेन USP है, जो मेन काफ़ी अच्छी चीज़ है, वही इसके लिए एक ड्रॉबैक बन के आ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ इसके डिस्प्ले साइज़ की। मैंने इस पर काफ़ी सारी गेमिंग करने की कोशिश की है, लाइक BGMI खेलने की कोशिश की है, कॉड खेलने की कोशिश की है, एंड मेरा एक्सपीरियंस जो था मेरे हिसाब से ओके लेवल का था। मैं बोलूँगा
अच्छा वाला एक्सपीरियंस मुझे मिला, बट उतना भी अच्छा नहीं जो आपको 6.5 इंचेस वाले डिस्प्ले पे देखने को मिलता है। हालांकि जब मैं 10R पे गेमिंग करता था डैट वॉज ऑल्सो गुड और वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता था, बट इसके ऊपर गेमिंग करना इज़ टोटली डिफरेंट बिकॉज इट हैज़ गुड क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है। एंड मेरे हिसाब से ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा गेमिंग करते हैं। अगर आप एक रेगुलर गेमर है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसको परचेस करना, बट अगर आप मेरे जैसे कभी कभी गेम खेलने वाले आदमी हैं और उतनी ज़्यादा गेम खेलते नहीं कॉम्पिटिटिव गेमिंग, तो मेरे हिसाब से इट्स अ गो ऑन। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि आपको इसको परचेज करना चाहिए या नहीं। अभी अराउंड फ्लिपकार्ट के ऊपर 40,000 का देखने को मिल रहा है और मैंने 37 के अराउंड लिया था। हाँ मैंने कहा था 10,000 रुपीज़ में लिया था, बट दैट वॉज प्रैक्टिकली, कभी कभी क्लिकबेट करना पड़ता है भाई व्यूज़ के लिए। एक्चुअली मेरे पास जो XR था वो 27,000 रुपीज़ के अराउंड बिक गया था और मैंने जस्ट 10,000 रुपीज़ ऐड करके 12 मिनी ले लिया, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकली लगाया, मैंने अच्छा वाला क्लिकबेट किया है यूट्यूब तुमको भी बोल रहा हूँ। चलिए अगर हम यहाँ पर बात कर ले आपको लेना चाहिए या नहीं, मस्ट गो ऑन अगर आप एक रेगुलर गेमर नहीं है, हर चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अगर आप यहाँ पर व्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं बेस्ट थिंग एवर, आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट देखने को मिल जाता है, एक अच्छा वाला कवर आप बना लो, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन भी हो जाती है, एंड बस ऐसे हाथ उठाइए एंड हे गाइस बोल सकते हैं। बेसिकली काफ़ी अच्छा है व्लॉगिंग एंड अदर स्टफ के लिए। अभी आप देख सकते हैं सेकेंडरी कैमरा भी यही है, मैंने कैमरा पे पैसे खर्च नहीं किए, आई नो बिकॉज मोनेटाइजेशन नहीं है, बट कोई बात नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। चलिए ओवरऑल ये था, आप जा सकते हैं अगर आप एक रेगुलर गेमर नहीं है, इतना ही प्रॉब्लम है, बट आगे फ्यूचर रिव्यूज़ भी आएंगे, कंपैरिजन वीडियोस भी आएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, इस वीडियो को लाइक करना है क्योंकि जस्ट लाइक करना है, एंड बस इतना ही था। टिल देन यू वीडियो कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड। अरे इधर कर दे शर्ना, स्टे ट्यून्ड।